अब करे वो नजर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज 13वीं रजब की शब है, 12 तारीख है, 13वीं शब है। 13 रजब को मौलाए कायनात हज़रत अली इब्ने अबी तालिब करमल्ला वजहुल करीम की विलादत बसआदत हुई थी, और मौलाए कायनात जो हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के फर्जंद हैं, उनकी विलादत जो है काबे के अंदर हुई थी। उनकी वालदा हज़रत फातिमा बिनते असद दर्जे ज़ै के वक़्त काबे का तवाफ़ कर रही थी, उसी वक्त दर्जे ज़ै हुआ और काबे की दीवार शक हो गई। जब काबे की दीवार शक हुई तो आप काबे के अंदर तशरीफ़ ले गई, दरवाजे से नहीं बल्कि वो दीवार शक हुई थी रुकने यमनी की, उसके अंदर आप चली गई, और अंदर जाने के बाद में आप मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम की विलादत हुई, और आपकी विलादत के बाद जो काबा शक हुआ था, उस वक्त जो काबा शक हुआ था उसका निशान अभी तलक है। वहाँ जो लोग हज करने या उमरा करने जाते हैं, काबे शरीफ में जाते हैं, वो देखते हैं वहाँ पे अभी भी वो जो शक हुई थी उसका निशान अभी तलक है। बार बार बनाया गया मगर वो निशान अब तलक मौजूद है। मौलाए कायनात की विलादत के बाद आपने 3 दिन तलक आँख नहीं खोली और दूध नहीं पिया। जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, जब ये मशहूर हो चुका था कि जो हज़रत अबू तालिब के फर्जंद हुआ है वो नाबीना है, आँख नहीं खोल रहा है और दूध भी नहीं पी रहा है, तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा के पास तशरीफ़ लाए, और आने के बाद देखा बच्चे को गोद में लिया। जैसे ही आपने मौलाए कायनात को गोद में लिया तो मौलाए कायनात ने आँखें खोल के हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर देखा, और आपका चेहरा अनवर देखने के बाद ही आपने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक चूसी। वो ज़बान मुबारक जो आपने चूसी उसी का असर कई दफ़ा मौलाए कायनात ने कहा है, खुद कहा है मौलाए कायनात ने कि मैंने जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अक़दस चूसी थी उसी का असर है कि मेरे पास ये इल्म आता हुआ अल्लाह की तरफ से, और आप बाबुल इल्म कहलाए। मौलाए कायनात हज़रत अली करमल्ला वजहुल करीम जो है वो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजात भाई भी थे, और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी साहबजादी हज़रत बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का अक़्द भी उनसे किया था, और हसनैन करीमैन अलैहिस्सलाम जो हैं वो आप ही की औलाद हैं। और मौलाए कायनात ने हर जंग में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया, और हिजरत के दिन जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के लिए तशरीफ़ ले गए और कुफारे काबा ने आपके मकान को चारों तरफ से घेर रखा था कि जब आप सोएंगे तो इनको शहीद कर दिया जाएगा, तो उस वक्त मौलाए कायनात आपके बिस्तर अक़दस पे सोए, और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको इरशाद फरमाया था कि इन अशख़ास की अमानतें मेरे पास रखिए, सुबह उठ के आप उनको संभला देना। तो आप बहुत आराम से और पुरसकून सोए। मौलाए कायनात का ख़ुद का इरशाद है कि मैं जिस तरह हिजरत की रात सोया था ज़िंदगी में किसी दिन इस तरह पुरसकून नींद मुझे नहीं आई। तो लोगों ने पूछा कि आपको इतनी पुरसकून नींद क्यों नहीं आई, जबकि चारों तरफ से कुफारों ने आपको घेर रखा था और उनकी तलवारें आपको मारने के लिए मुस्तैद थी, और वो लोग आपको तैयार थे मारने के लिए। तो आपने फरमाया कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था कि सुबह उठ के ये अमानतें जो है लोगों तक पहुँचा देना, तो मुझे ये यकीन था
कि ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे और मैं सुबह खैरियत से उठूंगा और हुजूर के पास जो अमानतें थीं वो लोगों तक पहुंचा दूंगा। मौला कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब चौथे खलीफा बने तो आपने फरमाया था कि तीनों खलीफाओं ने मुझसे मशवरा करके हुकूमत की थी, मगर अब मेरे पास कोई ऐसा मशवरा देने वाला नहीं है जैसा मैंने उनको दिया था, इसलिए खलफिशार हो रहा है। इसी खलफिशार की वजह से आप अपनी दारुल हुकूमत जो है मदीने से कूफा ले गए और कूफे के अंदर आपको मस्जिद कूफा में 21 रमज़ान को अब्दुलरहमान बिन मुलजिम ने पीछे से तलवार मार के शहीद कर दिया।